देखो हम पहुंच गए अभी तारापीठ मंदिर। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, पूरा पूरा वीडियो देखो आप लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? देखो आज हम आए हैं तारापीठ मंदिर और जाएंगे अभी अंदर, दिखाएंगे वहाँ जाके पूरा नज़ारा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, आप लोग दिखाते हैं प्रसाद से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेगा यहाँ पे देखो फूल वगैरह सब, माला वगैरह सब मिलता है यहाँ पे मंदिर जाने के लिए। और अभी हम लोग एंट्री हो चुके हैं अंदर, आने में पूरा 1.5 घंटा लगा हमको अंदर आने में। तो उतने देर तक हम वीडियो नहीं शूटिंग किया, लेकिन अभी आए अंदर तो यहाँ पे देखे मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखो झूमर वगैरह लगा हुआ है, आदमी यहाँ पे माला वगैरह सब लेके मतलब बेच भी रहा है और खरीद भी रहा है। तो जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरे पीछे मंदिर है और बहुत सारे लोग के कारण हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे हमारा जितना फ्रेंड था यहाँ पे सीसीएस वगैरह सब फोटो भी शूट कर रहा है। डीएसएलआर लाया है, लेकिन डीएसएलआर ये रात तारा भी देख रहा है मंदिर। नहीं नहीं अभी और घुसने के लिए तो यहाँ पे 2.5 घंटा 3 घंटा का नज़ारा रहना पड़ता है। कभी कोई होता है नहीं, कुछ पूजा भी नहीं कर सकते हम तो यहाँ काफ़ी देर से खड़ा था। और यहाँ पे वो शूट करेगा फोटो भी अंदर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे आराम से निकालेगा, एक अंदर लेगा एक निकालेगा। और यहाँ से लाइन दिखाई दे रहा है, लगा हुआ है अपना फूल माला से लाइन दिखा देते थे। यहाँ से देखते लाइन लगा हुआ है, वही जो घंटा से है तो घंटा से सारा भीड़ है। देखो ना हमारे पीछे कितना आदमी मतलब खड़ा भी है, पूजा भी कर रहा है, बहुत आदमी हमारे पीछे। और जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पे सब लाइन में लगा हुआ है और हमारा जो फ्रेंड है वो भी लाइन में लगा हुआ है, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। हम भी अंदर आ गए, बाहर में बहुत मतलब ठंडा लग रहा था, तो अंदर हम आ गए। वहाँ 2 घंटा से बाहर में खड़ा था, वहाँ पूरा ठंडा लग रहा था, इसलिए अंदर आ गए। तो देखो यहाँ पर आदमी आते जा रहे हैं, लाइन में लगते जा रहे हैं, उनको तो आदमी आता है उसका लगे यहाँ पे सीसीएस वगैरह सब फोटो भी शूट कर रहा है। ये रात तारा भी नहीं बनाता है, ये रात तारा फिट मंदिर। नहीं नहीं अभी